हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पे आप दिवाली जो आ रही है अभी, इसके लिए आप विशेष के लिए एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो फ्रेम के आप इंतज़ार में हो गए हो। तो प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको ड्यूअल फोटो एडिटिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सिंगल फोटो एडिटिंग आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दब के जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं ड्यूअल फोटो को किस तरह से एडिटिंग करना है। तो ओके, तो फ्रेम को ओपन कर लीजिए, जिस फ्रेम को आप पसंद करते हो उस फ्रेम को आप पहले तो आप ओपन कर लीजिए। ओके, देन आपको यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है गैलरी का, उसमें चले जाइए और यहाँ पे ओपन हो जाएगा वन और टू। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वन सिलेक्ट कर लीजिए और गैलरी में चले जाइए। जैसे आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे तो आप अपने हिसाब से किसी भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट फ़ोटो अपनी सिलेक्ट कर ली है और उससे जूम और निकल के आप सेट कर दीजिए। देन यहाँ पर सेकेंड क्लिक करके सेकेंड फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पे सेट भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट माइक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे फेस वाला ऑप्शन है, इसमें आप कार्टून या फिर यहाँ पर तितली भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, तो इस तितली को आप आसानी से कहीं पर भी रख सकते हो और ऐड कर सकते हो। ओके, देन आपको यहाँ पे राइट मार्क क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो आप अपने फ़ोटोज़ को। देन आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट में चले जाओ, आसानी से यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फ्रंट की साइज़ और फ्रंट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। देन आप बोल्ड करके सिलेक्ट कर दीजिए और आप कहीं पे भी यहाँ पे लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपकी सेटिंग कंप्लीट हुई और यहाँ पे राइट मार्क कर सकते हो। देन अगर आपको फ़ोटो को सेव करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे फ्रेम आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पर फ्रेम्स है जिसे आप सेट करके यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी फ्रेम्स दिख जाएगी जिसमें आपको सिर्फ फ़ोटो सेट ही करना है। काफ़ी सारी यहाँ पे एप्लीकेशन से जिसमें आप हैप्पी दिवाली लिख सकते हैं और इस फोटो को फ्रेम को आप अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आपको यहाँ पे मैं फ़ोटो सेव करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। ओके, तो ये फ़ोटो आपके सेव हो चुका है अपनी गैलरी में। ओके, यहाँ पर आप सिंगल फ़ोटो कॉपी इसी तरह से आप किसी एक फ्रेम को ओपन कर लीजिए। ओके, ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे गैलरी में चले जाना है यहाँ से, और आप जिस फ़ोटो को एडिटिंग करना चाहते हैं उस फ़ोटो को ओपन कर लीजिए। ओके, तो जिस फ़ोटो को ओपन करना चाहते हैं इस फ़ोटो को ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पे जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं सभी सेम यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ जाके आप और फाइनली यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आप फ़ोटो सेव कर सकते हैं। तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, आप आसानी से अपने दिवाली के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, और कुछ सुझाव चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबाइए, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं।